सरदार सनियर हवा कदर के रेजिडेंट है। हम पिछले कई 6 महीनों से इस प्रॉब्लम की वजह से यहाँ फेस कर रहे, ये वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं। हालांकि हमने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को अप्रोच किया, PHE डिपार्टमेंट्स को अप्रोच किया, DC साहब को अप्रोच किया, एंड फाइनली 6 महीने के बाद इन्होंने ये कहा कि यहाँ पर आपको 2.5 इंच 40 mm की पाइप आपको सेंक्शन हो गई है। बट जो ही उसका काम स्टार्ट हो गया एंड वो फाइनल फेज़ पर आ भी गया, बट सडनली अनफॉर्चुनेटली जिन घरों को, जिन मोहल्लों को, जिन कोचों को प्रॉब्लम थी वो वहीं जो कि तू है। एंड हुआ क्या, जिन घरों को पहले से पानी था उनकी सप्लाई ज़्यादा हो गई, एंड जिन घरों को पहले से प्रॉब्लम थी उनकी प्रॉब्लम वैसे की वैसे रही। एंड हमने रिपीटेड रिक्वेस्ट की यहाँ पर DC साहब को, यहाँ पर हमारे जो इंस्पेक्टर साहब है उनको किया, PHE डिपार्टमेंट्स को किया रिपीटेड रिक्वेस्ट की, बट अनफॉर्चुनेटली ऑल वॉज इन वेन। तो हम यही मुतालबा करना चाहते हैं कि अगर हमारा कसूर है तो क्या है, अगर हमारे पास वाटर सप्लाई पहले से अच्छी थी, अचानक से ये क्या हो गया हमारी वाटर सप्लाई को। हमारी डिमांड्स यही है, हम कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे, हम यही कह रहे हैं कि हमारे पास जो वाटर सप्लाई पहली थी वो हमें रेस्टोर की जाए, और जो आपने यहाँ पर नई पाइप्स बिछा दी है एंड आप वहाँ चेक कीजिए जिन घरों को प्रॉब्लम थी उन घरों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि नहीं हो गई। एंड वो हमारा ही रिक्वेस्ट है, इट्स एन अर्जेंट रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ आवर हवा कदर रेजिडेंट्स कि वो वहाँ पर चेक कीजिए हमारा, तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कीजिए। आज यहाँ पर हमारा सब्र का बांध टूट गया, एंड हमारी जो औरत है, हमारे जो जेंट्स है, उन्होंने यही सोचा कि हम यहाँ पर चक्का जाम करके अपने मुतालबात मंगवाए, क्योंकि हमने जो भी फॉर्मल अप्रोच ट्राई किया ब्यूरोक्रेट्स के साथ या PHE डिपार्टमेंट्स के साथ, वो उसका कोई फ़ायदा अभी तक हमारी ग्राउंड पर नहीं दिखा।